और ये मुकाम वो मुकाम है जहाँ आप और हम बैठ कर एक साथ जमा होकर वसीयत मोहम्मदिया पर अमल कर रहे हैं कि जहाँ रिसालत माफ ने फरमाया कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। अब इससे बेहतरीन मौका क्या होगा आपके और हमारे लिए कि इस फर्श अज़ा पर बैठ कर जिक्र अली हो, और फर्श अज़ा वो है जो इस्मत मुतलका से मंसूब किया गया हो, वो फर्श अज़ा जिस पर खुतब नफ्स नफीस हुसैन की माँ आती हो, वो फर्श अज़ा जिस फर्श पर वो हस्ती आती है जिसकी तज़ीम के लिए अल्लाह का रसूल अपने मकाम से उठता हो, वो फर्श अज़ा जिसका मकाम ये है कि जिस फर्श पर हुसैन की माँ आती हो, वो फर्श अज़ा जिसका मकाम ये है कि जिस फर्श पर जवाना ने जन्नत के सरदार की माँ आती हो, फर्श अज़ा वो है कि जिस फर्श पर अमीर कायनात की सौजा आती हो, फर्श अज़ा वो है कि जिस फर्श पर रिसालत माँ की बेटी आती हो, वो सैयदा जो खुद मिज़दाक़े चादर तत्हीर हो, वो सैयदा जो तहारत को भी ताहिर बनाती हो, वो सैयदा जो तहारत को भी ताहिर बनाती हो। जब सैयदा इस फर्श अज़ा पर आ जाती है और हम इस फर्श अज़ा पर आ जाते हैं, अब दुनिया सोचे कि इस फर्श अज़ा का मकाम क्या हो जाएगा। इसलिए कि फर्श उससे मंसूब है जो बाबुल हाजात है, फर्श उससे मंसूब है जो मलिकाए कायनात है, ये फर्श उससे मंसूब है जो दिलों का हाल जानने वाले हैं। और इसी फर्श पर जब एक आज़ादार आकर जिक्र अली करने के बाद मज़लूमी हुसैन पर आंसू बहाता है, न जाने कौन सा लम्हा आपका कौन सा आंसू रुमाल सैयदा में चला जाएगा।